दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय प्लेटफॉर्म लर्न अहेड एकेडमी। मैं संध्या मिश्रा अपनी इंडियन इकोनॉमी की क्लास को लेकर आपके सामने हूँ और आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। आज हम वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी पिछली वीडियोज़ को देखें, उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के टॉपिक की। इसमें हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? तो आंसर आपका 29%। अगला क्वेश्चन, विक्रेता बाजार क्या होता है? विक्रेता बाजार क्या होता है? इसका आंसर है, ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंक डॉट आई एक्स का आयोजन कहां किया गया था? इसका आंसर आपका, मिडरैंड दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है आपका, योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो आंसर, चयनित आधारभूत। अगला क्वेश्चन, भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो आंसर, घरेलू क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडिया इज सेल फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर आपका है, चित्रा सुब्रह्मण्यम ने। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षेस सार्क की स्थापना कब हुई थी? आंसर है आपका, 1985 में। अगला क्वेश्चन है, स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर है आपका, जनसंख्या नीति, 1994 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर आपका, 20 मार्च 1985 में। अगला है क्वेश्चन आपका, भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर है आपका, बिहार। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? आंसर है आपका, कृषि एवं सिंचाई को। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? तो कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला है क्वेश्चन आपका, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TISCO की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TISCO की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? तो कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो कहाँ है? केरल में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो आंसर है आपका, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है?
भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन आपका, योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाएं के लेखक कौन है? योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाएं के लेखक कौन है? तो कौन है? प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई? कब लागू हुई? 17 सितंबर 1997 से। अगला क्वेश्चन है आपका, नंजुंदप्पा समिति 1993 का संबंध किस विषय से था? नंजुंदप्पा समिति 1993 का संबंध किस विषय से था? तो किस विषय से था? रेल भाड़ा विषय से। अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश है? भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश है तो कौन सा है? जापान है। अगला है, WWF का क्या अर्थ है? WWF का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है इसका? वर्ल्ड वाइड एंड फॉर नेचर। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है क्या है? नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है क्या है? तो ये एक बैंक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो किस समिति ने की थी? राज्य समिति ने। अगला है क्वेश्चन, क्या योजना आयोग सांविधिक आयोग है? क्या योजना आयोग जो है वो सांविधिक आयोग है या नहीं? तो नहीं है। प्रश्न है आपका, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो कब प्रारंभ हुआ था? 1978 से 1979 में। अगला है, आर्थिक नियोजन सूची का विषय है। किस विषय का सूची का है? समवर्ती सूची का। फिर कपार्ट काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, कपार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेवी की स्थापना कब की गई थी? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेवी की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1988 में। अगला क्वेश्चन आपका, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? किसका नियम? ग्रेसम का। किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। अगला है, निक्की क्या है? तो इसका आंसर है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। अगला है क्वेश्चन, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1 जनवरी 1982 में। अगला है, आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? तो आंसर है, स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा की अन्यत्र ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया। अगला क्वेश्चन है, BN युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है?
इसका आंसर है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? जे बी सेने। किसने? जे बी सेने। अगला है, उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो वो भारत है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो कौन सा संगठन करता है भारत में मुख्य शेयर बाजारों के नियंत्रक का कार्य? सेबी करता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कौन करता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, विनिमय। अगला है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? तो इसका आंसर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के सुब्बा राव हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? अन्य मुद्राओं की तुलना में देसी मुद्रा के मूल्य में कमी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है? हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है क्लोज्ड इकोनॉमी का? आयात निर्यात की अनुपस्थिति। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग थी? उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग थी? तो किस योजना का अंग थी? द्वितीय योजना का। अगला क्वेश्चन, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई? आंसर है मोहन राकेश समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन, ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने एवं वसूलने करने का अधिकार किसको है? ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है लेकिन लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। प्लास्टिक मनी क्या है? प्लास्टिक मनी क्या है? तो आंसर है क्रेडिट कार्ड। अगला क्वेश्चन, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? आबिद हुसैन समिति जो है उसका संबंध लघु उद्योग क्षेत्र से है। अगला है क्वेश्चन आपका, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना बालिका शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आर एन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? आर एन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो किससे संबंधित की थी? बीमा क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, कहाँ की जाती है गणना? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला है,
भारत ने योजना आयोग का गठन कब किया था? भारत ने योजना आयोग का गठन 1950 में किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? तो किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? तृतीय योजना में। अगला है, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है, किसे माना जाता है? विश्व व्यापार संगठन WTO को। भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन AITUC के को किस अन्य श्रमिक संगठन के विलय की योजना है? भारत में प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन AITUC को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय की योजना है? किसमें है? हिंदू मजदूर सभा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के शिमला शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम ने किस वर्ग में के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो किस पर किया है? विकलांग वर्ग पर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला क्वेश्चन है, मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य है? मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य है? तो किसका है? बिड़ला घराने का। अगला क्वेश्चन है, हरा सोना किसे कहते हैं? हरा सोना किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? चाय को। अगला क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? अभिदत्त पूंजी पर, सब्सक्राइब्ड पूंजी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? भारत सरकार ने पहली बार कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 14 बैंकों का। और कब किया था? 19 जुलाई 1969 को। अगला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो आंसर है इसका, एक देश का शेष विश्व के साथ एक निश्चित समय अवधि के दौरान किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी? किसकी थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना की। अगला क्वेश्चन है,
भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? बिहार राज्य में आंकी गई है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो क्या है वित्त आयोग का प्रमुख कार्य? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। ये किसका कार्य है? वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन है, क्या भारतीय रिजर्व बैंक एक रुपए के नोट छापता है? क्या भारतीय रिजर्व बैंक एक रुपए के नोट को छापता है? नहीं छापता है। अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? बोकारो इस्पात संयंत्र देश किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो किसके सहयोग से हुआ था? सोवियत संघ के सहयोग से। अगला है, हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ? हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ? तो गेहूं का हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई। अगला क्वेश्चन है, जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो आंसर है, बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर है 1963 में। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1957 में। अगला है क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? दिसंबर 1966 में। अगला क्वेश्चन है, ट्राइसेम ट्रेनिंग रूलर यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सूत्रपात एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कब किया गया था? ट्राइसेम का सूत्रपात एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कब किया गया था? आंसर है 15 अगस्त 1979 को। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन सा था? पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन सा था? तो कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। अगला है क्वेश्चन आपका, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1 सितंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? किसका मुख्यालय? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। अगला क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन क्या है? तो क्या है ये? मंदी के साथ मुद्रा स्फीति। अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? किस राज्य की? जम्मू कश्मीर की है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विनिवेश आयोग स्थापना कब की गई थी? भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1 अगस्त 1996 में। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। अगला है,
नेफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई थी? नेफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई थी? तो इसका आंसर कृषि उपजों के विपणन के लिए है। अब है अगला क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध है, पीली क्रांति का संबंध है किससे? तिलहन उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? ट्राइफेड की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1987 में। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन के उद्देश्यों में शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध नगरीय क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। अगला है, ट्राइसेम क्या है? तो क्या है ट्राइसेम? ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लांड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लांड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन है? सर एम विश्वेश्वरैया हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इकोनॉमी एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? इकोनॉमी एंड सोशल कमीशन फॉर इंडिया पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? बैंकॉक में है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई थी? भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो कब प्रारंभ हुई? 1969 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो आंसर है आपका, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को। अगला क्वेश्चन है, जवाहर नेहरू बंदरगाह कहाँ है? तो कहाँ है? न्हावा सेवा में है। अगला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह से मुख्य रूप से किस अयस्क का लदान किया जाता है? पारादीप बंदरगाह से मुख्य रूप से किस अयस्क का लदान किया जाता है? किसका किया जाता है? लौह अयस्क का। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया था? किसे लागू किया गया था? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? इसमें तृतीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 20 मार्च 1985। अगला क्वेश्चन है, देश की प्रथम डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटी
डिपॉजिटरी लिमिटेड की स्थापना मुंबई में किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 8 नवंबर 1996 को। अगला क्वेश्चन है, 1956 की औद्योगिक नीति में आ, बा एवं सा तीनों वर्गों में उद्योगों को वर्गीकृत किया गया था। 1956 की औद्योगिक नीति में आ, बा एवं सा तीनों वर्गों में औद्योगों को वर्गीकृत किया गया था। तो क्या, कौन सा वर्ग सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के लिए था? तो वो था वर्ग सा। अगला क्वेश्चन है, आधारित संरचना वित्त कंपनी IDFC का मुख्यालय कहाँ है? आधारित संरचना वित्त कंपनी IDFC का मुख्यालय चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 8वीं योजना में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस क्रांति का नाम दिया गया था? मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस क्रांति का नाम दिया गया था? तो आंसर है नीली क्रांति में। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया जाता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया जाता है, किसको किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति से किसकी उत्पादन वृद्धि का आशय होता है? गुलाबी क्रांति से किसकी उत्पादन वृद्धि का आशय होता है? तो झींगा मछली उत्पादन इसका आंसर है। भारत के समुद्र तट से कितनी दूर तक है? भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र भारत के समुद्र तट से कितनी दूर तक है? तो आंसर है समुद्र के 200 नॉटिकल मील तक। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक इक्विटी की सहायता में से स्थापित किए जाने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किए जाने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कोचीन में। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो कौन है? मोटेक सिंह अहलूवालिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो वो है सिवा रमन समिति। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो किसके होते हैं? मंत्रालय के सचिव के। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी ICICI है। अगला, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।